नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल अंकित में। मैं हूं अंकित गायकवाड़ आपके साथ, और आज मैं आपको बताने वाला हूं काफ़ी अच्छी न्यूज़ जो कि आपके फेसबुक के लिए एक नया अपडेट आया है फेसबुक में, जिसको आज मैं आपको बताने वाला हूं। उस पहले मैं उस अपडेट के बारे में बता देता हूँ। वो अपडेट है क्या, तो मैं वो अपडेट वो आपने सुना ही होगा कि फेसबुक ने अपडेट दिया है कि अगर आपकी कोई प्रोफाइल चोरी करना चाहता है तो अब उसमें सिक्योरिटी आ गई है, प्राइवेसी, तो अब उसको कोई स्क्रीनशॉट भी नहीं ले सकता और ना ही उसको कोई चोरी कर सकता है। तो आज मैं उसी के बारे में बताऊंगा, उसको प्राइवेसी कौन कैसे करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इस वीडियो को जरूर पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि ये प्राइवेसी ऑन कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको खोलना होगी फेसबुक। फेसबुक में जाने के बाद आपको अपनी प्रोफाइल खोलनी है। प्रोफाइल खोलने के बाद आपको यहाँ से, मैं अपने प्रोफाइल खोलने के बाद आपको जो आपकी प्रोफाइल पिक है उस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे जो आ जाता है टर्न ऑन प्रोफाइल पिक्चर गार्ड, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आया टर्न ऑन प्रोफाइल पिक्चर गार्ड, उस पर आपको क्लिक करना है। और ये देखिए, ये यहाँ पे पूछ रहा है सेव करने के लिए, तो यहाँ पे सेव कर देता हूँ, और ये पिक्चर गार्ड आ चुका है। ये देखिए, ये पिक्चर गार्ड मेरा ऑन हो गया है। मैं प्रोफाइल पिक पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से अगर मैं स्क्रीन, ये देखिए यहाँ पे एक चारों तरफ एक एंगल बन के आ गया, और उसमें बीच में प्राइवेसी का लोगो लगा है। अगर मैं इसके कारण आप उसको एडिट भी नहीं कर पाएंगे। तो यही था मेरा आज का वीडियो, जिसमें आज मैंने बताया कि आप अपने प्रोफाइल पिक को कैसे सेव कर सकते हैं। ये अपडेट खासकर लड़कियों के लिए आया है, क्योंकि उनके प्रोफाइल पिक यूज होती है गलत तरह से यूज होती है, और उनके प्रोफाइल पिक चोरी हो जाती है, तो वो बिंदास होके अपनी फेसबुक चला सकती हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय मेरे हिंद, चैनल को वंदे मातरम। सब्सक्राइब करने के लिए दबाइए रेड कलर का बटन और उसके बगल में दिए हुए बेल आइकन को दबाइए, जिससे कोई भी नई अपडेट्स आपको तुरंत मिलती रहेगी।